हेलो और वेलकम इस खूबसूरत किस्त हीलिंग टू द नेशंस में। बाइबल इफिसियों 4:4 में कहती है कि उसने बाज़ को नबी, बाज़ को रसूल, बाज़ को चरवाहा और बाज़ को उस्ताद बनाकर दे दिया कि मुकद्दसों की खिदमत के लिए गला बानी हो। यहाँ हीलिंग स्कूल में खदाम दूरों नज़दीक से आते हैं, नबी, पास्टर्स, उस्ताद आते हैं ताज़ा दम होने, रूह में कुव्वत पाने के लिए और कलाम पाने के लिए जिसको वो अपनी कलीसिया में ले जा सकें कि उन्हें मिनिस्ट्री के काम के लिए तैयार करें। यहाँ उनका वक्त निहायत शानदार होता है और मेरे साथ आज ऐसी ही खादम हैं जो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आई हैं। वो यहाँ अपनी गवाही पेश करेंगी, तब तक हमारे साथ रहें। विल बी राइट बैक। मेरा नाम मैगी है और मैं हांगकांग से हूँ। आप हीलिंग टू द नेशंस देख रहे हैं। वी विल बी राइट बैक। हीलिंग टू द नेशन में दोबारा खुशामदीद। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो यूएसए से आई हैं। यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डैनली, दावत का शुक्रिया। मेरे लिए इज्जत और खुशी की बात है कि मैं जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हूँ। आपने मेरा शानदार इस्तकबाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्राय मेहरबानी हमारे नाजरीन को अपना तारुफ दें और अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सिल्विया सैनफोर्ड है और मैं सिल्विया सैनफोर्ड रसूल हूँ और मैं सिल्विया सैनफोर्ड फाउंडेशन की बानी हूँ। मेरी मिनिस्ट्री औरतों की बैन अल-क़वामी मिनिस्ट्री है और मैं इसके लिए पूरी दुनिया में सफर करती हूँ और कॉन्फ्रेंसिस करती हूँ, लोगों को आरास्ता करती हूँ रसूली खिदमत के लिए जिससे मौजज़ात होते हैं। और मेरा दिल उन ख्वातीन के लिए है जो वाकई टूटी हुई हैं और जिनकी कोई शनाख्त नहीं, और खुदा ने मुझे उन टूटी हुई औरतों के लिए प्यार बख्श दिया है क्योंकि खुदा ही टूटे हुए बर्तन को काबिल इज्जत बर्तन बना सकता है। नबिया, ये बहुत ही खूबसूरत है और इतना खूबसूरत कि आप सालों से कितनी रूहुल कुदस के साथ चल रही हैं। आमीन। और किसी ना किसी तरीके से रूहुल कुदस आपको यहाँ जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में लाया है। हाँ हाँ। आपने पास्टर क्रिस के बारे में कैसे सुना, हमें ये शानदार कहानी बताएं। मैं इंडिया में खिदमत कर रही थी, मेरी मेजबान जॉयस पीटर थी जिसको खुदा ने बड़े जलाली तरीके से नबिया के तौर पर इस्तेमाल किया और नबिया ने चाहा कि मैं एक बहुत बड़े मौका पर उसके चर्च बेंगलोर में तलीम दूँ और उसने मुझसे कहा फौरन इस इवेंट के बाद कि पास्टर क्रिस साउथ अफ्रीका में उसकी एक कॉन्फ्रेंस है। उसने कहा वो ऐसा खादिम है जिससे बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं और वो कलाम का हैरान कुन मकाशवा बयान करता है। मुझे कई मरतबा दावत मिली कि आकर तालीम दूँ लेकिन मैंने महसूस किया कि यह सही मौका और वक्त नहीं था। मैं दुरुस्त वक्त का इंतज़ार कर रही थी और इस दौरान ही पास्टर सैंड्रा और सौरियो और मैं इस साल अप्रैल में औरतों की कॉन्फ्रेंस में तालीम दे रही 29 अप्रैल को और उन्होंने सब मुकर्ररीन को बुलाया नाश्ते के लिए और मेरे सामने बैठी थी और मुझसे कहा तुम मेरे साथ अफ्रीका रही हो लेकिन 2 हफ्ते इससे पहले ख्वाब आया खुदा की तरफ से। खुदा ने मेरे साथ अफ्रीका के बारे में बात अपनी आवाज़ में और कहा अफ्रीका बनने जा रहा है मरकज बड़े बड़े मौजज़ात का, हत्ता कि यूनाइटेड स्टेट्स भी खींच आएगा मसा की जानिब जो यहाँ है और खुदा की अजीम तहरीक भी अमेरिका की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसने कहा मैं अफ्रीका आ रहा हूँ। अब आप पास्टर सैंड्रा के ग्रुप के साथ आई हैं और ये बहुत से लोगों का ग्रुप था, इस ग्रुप में कितने लोग थे? ओ खुदाया, मेरे ख्याल से हम 22 लोग थे। मेरा ख्याल है हम 22 थे जो मेक्सिको, निकारागुआ, एल सल्वाडोर और कोस्टारिका से थे। और हाँ, ये बहुत ही शानदार था। आखिरकार ये अब आपकी पहली मुलाकात पास्टर क्रिस के साथ थी, उन्हें ज्यादा जाने बगैर, और ये हीलिंग सर्विस थी। क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगी कि ये हीलिंग सर्विस क्या थी? ये हैरान कुन था, मेरी पहले ही बहुत तवक्कुआत थी। मैं सच में मेरी रूह में था। आखिरकार मैं उनसे मिलने जा रही थी और पास्टर बैनी उनके बारे में हैरान कुन बातें बताते थे। जानती हैं, मेरी तवक्कुआत वाकई बहुत ज़्यादा थी लेकिन मैं उन्हें तालीम देते हुए सुनना चाहती थी और देखना चाहती थी कि सब लोग
इंतजार कर रहे हैं। हम तो अकवाद के साथ आते हैं। मैं पहली दफा पास्टर क्रिस की मिनिस्ट्री जोहान्सबर्ग में आई थी। मैंने देखा कि बहुत से लोग बीमार हैं मेरे दाएं और बाएं तरफ। बहुत सारे लोग अपनी बीमारी का पेपर पकड़े हुए थे। जानती है, मैं सोच रही थी, वाओ, मैं कुछ हैरान कुन देखने वाली थी। और जानती है, मैं वाकई ये देखने के लिए पुरजोश थी। और आखिरकार वो घड़ी आई जब पास्टर क्रिस ऑडिटोरियम में दाखिल हुए। उस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा था? खैर, दो चीजें हुई थी। इससे पहले हमने गवाहियां देखी, हमने प्रस्तुति की। मेरा ख्याल था कोई सीडी लगी है। उस जगह पर आवाज इतनी रूहानी थी। ये प्रस्तुति बहुत ही खास प्रस्तुति थी। और मुझे इस हकीकत से प्यार है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। तब उन्होंने पहली गवाहियों का इंटरव्यू करना शुरू किया जो पिछले हीलिंग स्कूल सर्विस से हुई थी। और उन सब को देखना वाकई बहुत हैरानकुन था, क्योंकि हम ना सिर्फ उनको बड़ी स्क्रीन पर देख सकते थे, आप देख सकते थे कि वो कैसे दुआ के लिए आई। आप उनको देख सकते थे कि वो कैसे मिनिस्ट्री में आई, यानी बीमारों लाचार आए। तब पास्टर क्रिस को दुआ करते देख सकते थे और शफा पाते देख सकते थे। और ये सच में रसूलों के अमाल को लाइव देखना था, जिंदगी पाते देखना था। आप वाकई वहां यीशु को देख रहे थे। ये वाकई बहुत हैरान कुन था। मैं तो इसे बयान भी नहीं कर सकती। आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि आपको बजाते खुद उसका शख्सी तजर्बा करना पड़ेगा। और जब पास्टर क्रिस आए तो वहाँ पहले ही रूहानी माहौल बन चुका था। जब मैंने देखना शुरू किया तो वो सीधे पहली कतार में गए और आप खुदा के खादम की आजजी को देख सकते थे, उनकी आजिज आवाज सुन सकते थे। मैं भी सुन सकती थी। उसने शुरू कर दिया और कहा, निकल। जानते हैं, उन्होंने किसी बदरू को देखा और कहा, और आगे बढ़ गए। आप जानते हैं कि यही तो इख्तियार है, मेरा मतलब यही तो पहचानना है। ये बहुत ही पूर्ण असर था। यही वो चीज है जिसे मैं घर लेके जा रही हूँ। मुझे सख्त मेहनत नहीं करनी है और गला भी नहीं फाड़ना। जब 100, 200, 500 के लिए दुआ करते हैं, जानती हैं, खुदा की मौजूदगी उसका इख्तियार ये सबब बनता है कि आपको किसी और मुकाम पर ले जाए, रूह में दूसरे मुकाम पर, फिर मौजजात होंगे। मेरा मतलब, आप अमाल की किताब को जिंदा देखते हैं। इसी तरह के मौजजात होते हैं मसीहत में, मिनिस्ट्री में, और फिर यही तो है जो खिदमत है। पास्टर, आपने कुछ खूबसूरत तालीम भी पाई है और इन कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स के दौरान, तो ये कैसा तजर्बा है कि दुनिया के बहुत से हिस्सों से खदाम के दरमियान होना? आप जानती हैं कि ये वाकई हैरानकुन है, क्योंकि आप जानती होंगी, अश्कार के बेटे जो वक्त और जमानों को जानते थे, हमें भी अपने जमाने को जानना और अपनी मुलाकात का वक्त जानना है। और अब जो खुदा कर रहा है, देख सकते हैं कि हम वाकई आखिरी वक्त में हैं। खुदा सब कौमों को एक जगह जमा कर रहा है, आमीन। और ये जानकर कि यहाँ 167 कौमें हैं, और मैंने सुना कि यहाँ पर कोई 167 कौमों से लोग हैं, और 7 क्योंकि कामलियत का नंबर है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ 167 कौमें हैं। और ये वाकई एक निशान है, एक निशान है। हम दरमियान हैं बहुत ही अजीम लीडरों के, हला रहे हैं दुनिया को, कौमों को। आपको जानना है कि यीशु जल्द आ रहा है। हमें जमानों को जानना है, और इसी वजह से मेरी रूह महसूस करती है। इसीलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं भी आखिरी वक्त की तहरीक का हिस्सा हूँ, जहाँ खुदा मुतहरिक है और जहाँ सब कुछ खुदा करता और मुकद्दसों को तैयार करता है। हमें लाजमी जुड़े रहना है। आखिरकार खुदा के कलाम का वक्त आया, और मीटिंग से कलाम पाकर आपको कैसा लगा? ये वाकई हैरानकुन है। वाओ, खुदा के कलाम की जानकारी जो उसके पास है हैरानकुन है। वो हर सवाल का जवाब देते हैं और हर शुबे को दूर करते हैं।
हर मसीही रूह भरपूर होती है खुदा के कलाम के इल्म से, उसके कलाम का मुकाशफा सुनने से, पहचान और इख्तियार के साथ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। मैंने ऐसे जवाब दिया, खैर मैं पैदा हुई ग्वाटेमाला में और रहती हूँ ज़ायन में। हालेलुया, खुदा अजीम है। यही वो जगह है जहाँ मेरी पनाह है। जानते हैं हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम तो इस दुनिया के नहीं हैं। जानते हैं हम 24 घंटे हम मफूकुल फितरत दुनिया के हैं, क्योंकि हम सहून के हैं, आमीन। और हमारे पास दुनिया का इख्तियार है। ये जानने से कि वाकई यीशु कौन है, कलाम हमारे अंदर सुकूनत करता है। इख्तियार जो हमें दिया गया है ये मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देने वाला है। और आखिरकार इन खूबसूरत तालीमात के बाद मजमूई तौर पर कॉन्फ्रेंस का सबसे उम्दा लम्हा जो कल रात रहा है, जहां पास्टर ने तालीम दी और ख़ास तौर पर आपके ग्रुप को मिनिस्टर किया, इसके बारे में बताएं। तो जब मैं सामने आई, तो जब मैं खुदा के खादिम को देख रही थी, तो ऐसा लग रहा था मैं यीशु को देख रही हूँ, और मुझे बहुत इज्जत और फख्र महसूस हुआ। मैंने कहा शुक्रिया, और मैं ने अपने बातन से कहा, खुदाया तेरा शुक्रिया, मैं पाने वाली हूँ जो मेरे हिस्से का है। जब पास्टर क्रिस आए, जब वो पहली दफ़ा आए और उन्होंने हमारे सर और कंधों पर हाथ रखे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम रूह से भर गए। तब वो मेरे पास आए और मुझसे कहा, उन्होंने मेरा हाथ थामा दायां, जिससे मैं दुआ करती हूँ। जानती हैं, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मेरा हाथ थामा। उस लम्हे मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मेरे जिस्म में बिजली दौड़ गई हो, जैसे मेरे जिस्म में कूद गई हो। और मैं चाहती थी कि मैं रूह से और मामूर होती जाऊं, और मैं उनका हाथ छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं उस घड़ी में सब कुछ पा लेना चाहती थी, क्योंकि उस लम्हे मुझे रूह की शराकत हासिल हुई थी। मैं थामे रखना चाहती थी, पाना चाहती थी, गिरना नहीं चाहती थी, गिरना नहीं चाहती थी। फिर वो लम्हा आया कि खुदा की कुदरत जो नाकाबले बयान थी, और रूह के जोर से मैं गिर गई, और मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने कहा, खुदावंद जहां मैं जा रही हूं उसके लिए मुझे तैयार कर। जानते हैं हमें तैयारी और शराकत की ज़रूरत है, और मैं ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि बहुत सारों के दरमियान हमारे ग्रुप को चुना गया कि उनके लिए इनफरादी दुआ की जाए। जो आपने पाया है उसका क्या करेंगी? घर जाने पर आपका एक्शन प्लान क्या होगा? मैं दुआ करने का तरीका बदलने जा रही हूँ। ये पहली बात है जो मैं करूँगी। मैं बदल चुकी, अब हम उस तरीके से दुआ नहीं करेंगे जिस तरह पहले करते थे। मैं वैसे करूँगी जैसे आप करते हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ सिखाया है। मैं आपको बताने जा रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ कि जुबानों में दुआ करने में ही कुदरत है। हम ऐसा करेंगे। मेरी मिनिस्ट्री ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं बल्कि खुदा की मिनिस्ट्री है, और मैं वो करूँगी जो वो मुझसे करवाना चाहता है। मैं तैयार करूंगी ख्वातीन को जबानों में बोलने के लिए। मैं उन्हें खुदा के रूह में तैयार करूंगी, खुदा के रूह में के अपनी रूह से। मैं इस आग के साथ ऐसा करने जा रही हूं, मैं करने जा रही हूं, और तब कलाम की तशरीह करूंगी। अगर आपने देखा हो तो मैंने नोट्स बनाए थे इन सारी तालीमात के, जितने भी हवाले थे बाइबल मुकद्दस से। एक दिन बिल्कुल मैं सब कुछ कर पाऊंगी, लेकिन मैं बिलाशुबा पहले इन तालीमात को शुरू करूंगी, और मैं उन पर नए मुकाशफा आश्कार करूंगी, और इनको मैं अपनी मीटिंग्स में भी इस्तेमाल करूंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि पिछले 24 घंटों में मैंने पहले ही बहुत से मिनिस्ट्री लीडर से रابطہ कायम किया है कि उनके बेटे और बेटियां यहां यूथ कैंप में आए। मैं आपको यकीन दिलवाना चाहती हूं कि अगले साल और भी बहुत सी खवातीन मेरे साथ आएंगी। मैं चाहती हूँ कि वो भी इस नूर का तजर्बा करें जिसका तजर्बा मैंने किया है। मैं बहुत पुरजोश हूँ ख़ास तौर पर सिखाने के लिए अपने टीवी प्रोग्राम्स में। मेरी मिनिस्ट्री किसी और लेवल पर जा रही है, जो देख रहे हैं सबकी हौसला अफजाई करने जा रही हूँ कि ये मिनिस्ट्री
इसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। ये जिंदगी तब्दील करती है। अगर खुदा की जलाल पर यकीन रखते हैं तो उनके लिए ये नामुमकिन नहीं है। और मैं बताती हूँ कि ये कुर्बानी बहुत बड़ी है। अपने अखराजात के बारे में मत सोचिए। जब खुदा रहनमाई करता है तो वो मुहैया भी करता है। अपने कामों के बारे में और अपनी दुनिया के बारे में मत सोचिए। इस दुनिया के बारे में मत सोचिए, अपने कारोबार के बारे में। रास्ता बनाएं और अपनी तकदीर की तरफ बढ़ें। तकदीर बनाने के लिए और तैयारी के लिए आपको मजीद मुकाशफे की ज़रूरत है। इस सखीरी घड़ी में यही इंतज़ाम और मनसूबा है जिससे गुजर रहे हैं। शुक्रिया पास्टर क्रिस, शुक्रिया खुदा के खादिम जो आप कर रहे हैं और जिसका आप बोझ रखते हैं। आपकी कुर्बानियों का शुक्रिया। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा आपको लंबी जिंदगी दे, ताकत और हिम्मत दे कि आप इसे पूरा करें और जिस काम के लिए आपको खुदा ने बुलाया है वो आपकी जिंदगी में ही पूरा हो। गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम की। पास्टर क्रिस, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी इस मेहरबानी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही पेश करूँ। और जो सारे देख रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। शुक्रिया डैनली। नबिया, यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बायस बरकत है कि आपने दिल खोल कर अपने ख्याल का इजहार किया है। मैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए बहुत पुरजोश हूँ। मैं जानती हूँ कि ये तब्दीली रूह कुदस के बाइस है। आप पहले ही बहुत अजीम काम कर रही हैं। दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं और जैसे आप कौमों के साथ रफाकत रखती हैं और इत्तफाक रखती हैं, तो कौमें ही आपको दे दी गई हैं, पूरी दुनिया की कौमें। मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमें दूंगा। आमीन, खुदा की तारीफ हो। वाओ वाओ वाओ, ये नाकाबिले यकीन है। सच में इस खादिम की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। और अगर आप भी एक खादिम हैं और आप भी ये तजर्बा हासिल करना चाहते हैं, आएं और मिलें हमसे हीलिंग स्कूल में। ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये करना है कि हमारी वेबसाइट www.enterthehealingschool.org विजिट करें या नंबरों पर कॉल करें। तब तक आप दमकते रहें। गॉड ब्लेस यू। हमें यकीन है कि आज के प्रोग्राम से आपने बरकत पाई है। अगर आप अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हैं, तो हम आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ ये दुआ करें। ये दुआ अपने पूरे दिल से करें। प्यारे खुदावंद, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद यीशु पर ईमान लाता हूँ, जिंदा खुदा के बेटे पर। मैं ईमान लाता हूँ कि खुदा ने उससे मुर्दों में से जिवाया और वो आज भी जिंदा है। मैं अपने मुंह से इकरार करता हूँ और आज से ही खुदावंद यीशु मेरी जिंदगी का आका और मालिक है। ये मैं ईमान लाता हूँ उसके नाम से। मैं अपनी रूह में गुनाहों से माफी पाता हूँ और दिल से अपनी जिंदगी पाता हूँ। खुदा ने मुझे बचाने का शुक्रिया। नए जीवन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। अब मैं नए सिरे से पैदा हूँ। अब मैं खुदा का फर्जंद हूँ। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन। अगर आपने ये दुआ की है तो मुबारक हो, अब आप खुदा के बेटे हैं। मजीद मालूमात के लिए हमें ईमेल करें, जो कि है feedback@enterthehealingschool.org। खुदावंद यीशु के साथ नए सफर में पास्टर क्रिस की लिखी हुई किताब बॉर्न अगेन फ्री हासिल करें। मसीही ईमान में आगे कैसे बढ़ना है, ब्राय मेहरबानी हमें कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट विजिट करें। खुदा आपको बरकत दे।